इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये पॉइंट चार्ज है ना, तो यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ फार्मूला। आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद है, बोलो बेटा क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज के? के क्या है? के कांस्टेंट। क्या है वैल्यू उसकी? के कांस्टेंट की। एसआई सिस्टम में अगर इसके चारों तरफ एयर मीडियम है तो के की वैल्यू क्या होती है? 4 pi epsilon naught बोलते, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 9 × 10⁻⁹, बोलो जल्दी। हाँ, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इज इट क्लियर? तो ये फार्मूला तो पता है। फिर अब ये मैं यहाँ पे एप्लीकेशन से फिर इसको क्यों बता रहा हूँ कि भाई आप गॉस थ्योरम का यूज करके इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी पता, हमने पहले बेसिक उसमें ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। बट आज का जो लेक्चर है वो अभी इसी पे बेस्ड है कि पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम का यूज करके निकालना सीखते हैं तो गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है ये आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना? इसलिए ध्यान से समझना, फार्मूला तो वैसे भी हमको पता है लेकिन इस फार्मूले को हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके निकालते हैं, ठीक है सर? हाँ बोलो सर। अगर कोई मीडियम नहीं दिया रहा तो हमको एयर क्या कंसीडर करना है? अगर कोई मीडियम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो फिर तो बाई डिफॉल्ट आपको एयर मीडियम लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि भाई ये चार्ज है, मान ले ये चार्ज पानी के अंदर रखा है, तो पानी के अंदर आर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू, फार्मूला वही रहेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जो कॉन्स्टेंट के है उसकी वैल्यू अलग रहेगी, है ना? 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम हम लोग देखते हैं, याद है? है ना, याद है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो बस इतना फर्क आता है मीडियम रखने से, डायरेक्टली कांस्टेंट, या फिर 1/4 pi epsilon naught लिखते हो उसकी जगह में 1/4 pi epsilon लिख देते हो, बस इतना ही फर्क रहता है और कोई फर्क नहीं है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके इस फील्ड को कैलकुलेट करते हैं अभी, ठीक है बेटा? गॉस थ्योरम का यूज करके इस फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अभी इस पे, सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज एंड ये वो पॉइंट है, यहां से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी लिया मैंने, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी कितनी है, एंड एज यू नो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये बताना। फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है पहले से, बट गॉस थ्योरम का यूज करके निकालना है, तो क्या करोगे अभी बताओ जरा? गॉस थ्योरम का यूज करके अगर इस फील्ड को निकालना है तो क्या करोगे बताओ जल्दी से? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे कि नहीं? एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ले हम लोग बताओ? यहाँ पे किस तरह का गॉसियन सरफेस का शेप क्या होता है, किस तरह के शेप होते, कुछ फिक्स शेप होते क्या गॉसियन सरफेस के? सर एनी शेप। हाँ, गॉसियन सरफेस तो कोई भी शेप का हो सकता है। चलो यहाँ पे मैं पहले एक गॉसियन सरफेस किस तरह का ले रहा हूं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूं बेटा। This is a spherical Gaussian surface. और चार्ज कहां पे रखा हुआ है? इसके सेंटर पे रखा हुआ है। Now consider the spherical Gaussian surface and charge is placed at its center. तो ये Gaussian surface है, और ये किस तरह का Gaussian surface है यहाँ पे? ये दिस इज द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, ठीक है। अभी ये बताओ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही क्यों कंसीडर किए,
और चार्ज को सेंटर पे क्यों रखे, थोड़ा सोचो क्यों इस तरह का लिए, है ना। चलो अभी मैं पूरा डिस्कशन लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढेंगे। सो नाउ दिस इज द नाउ सॉल्यूशन में ये आ जाएगा बेटा, कंसीडर क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कंसीडर क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सच दैट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। चार्ज कहां पे रखा होना चाहिए, इसके सेंटर पे रखा होना चाहिए, ठीक है। सच दैट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, चार्ज इसके सेंटर पे रहना चाहिए। तो अगर चार्ज इसके सेंटर पे है तो अब पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेंगी बेटा, यहाँ पे देखो, नाउ दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इस तरह से आएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस तरह से रहेंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यस और नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी रहेंगी बेटा यहाँ पे, समझ गए, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर दिस पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी निकल रही है यहाँ पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, व्हाट इज द टेंजेंशियल, कैसी टेंजेंशियल, नहीं ना बेटा टेंजेंशियल कैसी है, स्फेरिकली है ना, स्फेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा है, हाँ सर स्फीयर के लिए क्या, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शेप कैसा है, देखो आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस या चार्ज के कारण फील्ड लाइन का शेप आपको पता रहना चाहिए, ध्यान रखना किस तरह का शेप बनेगा, वो अपने चारों तरफ किस तरह की फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये पॉइंट चार्ज अगर है तो ये कैसी फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, ये पॉइंट चार्ज कैसी फील्ड बनाएगा, ये स्फेरिकल बनाएगा, यहां से भी फील्ड लाइन निकलेंगी, यहां से भी निकलेंगी, यहां से भी निकलेंगी, यहां से भी निकलेंगी, यहां से भी निकलेंगी, ये पॉइंट चार्ज, ठीक है देखो अभी, हाँ तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो किस तरह की होती है बेटा, पॉइंट चार्ज ये रखे अपन ने, इसके लिए फील्ड लाइन्स कैसी बनती है यहाँ पे, ये पॉइंट चार्ज है, ये समझ गया अभी इसकी फील्ड लाइन्स कैसे बना रहे हैं हम लोग, इसका डायग्राम कैसा बन रहा है फील्ड लाइन्स का सर, हाँ तो अगर कोई चार्ज सरफेस पर रखा रहा तो वो टेंजेंशियली मूव करेगा ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे टेंजेंशियली, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी, मैं समझ नहीं रहा हूँ बेटा तू क्या पूछना चाह रहा है, हमने एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पे सेंटर पे रख दिए, तो अब मैं सिर्फ मेरा ये है कि इसकी फील्ड कैसी बनेगी वो आप इमेजिन करो, जैसे यहाँ पे एक लाइट लगा है तो वो लाइट कैसी निकलेगी, सिर्फ फ्लैट निकलेगी कि सभी डायरेक्शन में निकलेगी, सभी डायरेक्शन में निकलेगी, बस तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लाइट जैसा इमेजिन करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लाइट जैसा इमेजिन करो, समझ गए कि नहीं, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी बनेगी, किस तरह से आएंगी बाहर, स्फेरिकली बाहर निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है यहाँ पर ये किस तरह का है, आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली आउटवर्ड, इज इट क्लियर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली आउटवर्ड, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह का है, इज इट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
अच्छा ये पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग है? सो नाउ कंसीडर क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सच दैट चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट ओवर द सरफेस. मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है. सच दैट मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर या गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के स्फीयर पे गॉसियन सरफेस. सर वो क्लास में फिर से आ गया. कैसे आ गया यार ये? सर आपने निकाले ही नहीं. मैग्नीट्यूड ऑफ, तो गॉसियन सरफेस हमने स्फेरिकल लिया, चार्ज उसके सेंटर पे है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है गॉसियन सरफेस पे. अब जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता है तो क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट है क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या बेटा कि वेरिएबल है, बताओ जरा? नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना भाई. तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है कि अलग अलग है? दोनों वेक्टर अलग 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 है. तो फिर अगर हमें अब फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है कि भाई इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स अगर आपको निकालना है, सो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस. आप क्या लिखते हो यहाँ पे? इट इज नाउ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, किसके बराबर आता है ये? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको मैं ऐसा लिख दू, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ये टर्म हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ई. फिर ये समझ गए कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए और फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बेटा ये स्टेप समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से. आपको ये वाली स्टेप समझ गए कि नहीं? इसके बाद में ये स्टेप समझ गए? यस सर. ओके, मतलब आपको टोटल फ्लक्स निकालने के लिए पहले छोटे से पोर्शन का फ्लक्स निकालना पड़ेगा. तो ये छोटा सा पोर्शन मैंने सपोज यहां पर इमेजिन कर लिया एक, ये छोटा सा पोर्शन मैंने यहां पे इमेजिन कर लिया. यहां पर के लिए भी ये डीए वेक्टर इधर आएगा और एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा. ये डीए वेक्टर हो गया, यहां पर भी एंगल 0 डिग्री का है. ठीक है, ऐसे यहां पर भी अगर देखोगे तो यहां पर का भी डीए वेक्टर इधर आ जाएगा, यहां पर भी एंगल 0 डिग्री का है. इवन कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो, जैसे यहां पर भी अगर देखते हो, ये डीए वेक्टर है, यहां पर भी एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है. और अगर आप यहां कहीं पर भी देखते हो, ये डीए वेक्टर है ना, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 0 डिग्री का दिख रहा है सभी जगह पे. हेलो, तो जितने भी आप इनफाइनाइट स्मॉल एरिया ले रहे हो डीए, जैसे यहां पर का फ्लक्स, यहां पर ये जो डीए है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली बाहर निकल रही है, मतलब एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? 0 डिग्री का. ऐसे यहां पर भी 0 डिग्री का. फिर आप कहीं पर भी ले लो, हर एक जगह पे जो एंगल बन रहा बेटा डीए वेक्टर का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का बन रहा है? हर कहीं पे अगर देखोगे जो एंगल बन रहा है डीए वेक्टर का, कितने डिग्री का बन रहा है बताओ जरा? 0 डिग्री का है. 0 डिग्री. हाँ, तो ये वाला जो कैलकुलेशन है ना आपका बहुत आसान हो गया अभी. तो अब ये 0 डिग्री का अगर दिख रहा है आपको, आप कहीं पर भी उठा लो इसमें, ये जैसे यहाँ पे दिस इज आल्सो डीए और यहां पर भी एंगल 0 डिग्री का है. तो जितने भी आपके इनफाइनाइट स्मॉल
पोर्शन में फ्लक्स है, जैसे यहां पर का जो फ्लक्स है डी फाई, जैसे अगर मैं यहां पर का फ्लक्स लिखूं डी ई दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस जीरो, मतलब कितना बचेगा सिर्फ ई डी ए के बराबर बचेगा, है ना। तो ये वाली जो स्टेप आ रही है आपकी, मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर कोई वैल्यू जैसे यहां पे देखोगे ये एंगल ये कितने का आ गया यहां पर, नाउ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इट इज ई डी ए कॉस जीरो एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा बताओ जरा आगे की स्टेप में, यहाँ पे ई कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, व्हाट इज ई, ई इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, सर कॉन्स्टेंट। हाँ अगर ये कॉन्स्टेंट है तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सर्फेस कितना बचा है डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज इट क्लियर, देखते चलो जरा। यस सर। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा थोड़ा बताना सर, ए स्क्वायर बाय सर ए आएगा क्या, क्यों आएगा ये बता जरा, ये जितने डी ए डी ए डी ए डी ए सबको अगर इंटीग्रेट कर लोगे पूरे स्फीयर के लिए तो क्या बनेगा वो, फोर पाई, क्या सरफेस एरिया बनेगा ना स्फीयर का, इट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यस और नो, इट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ना बेटा, ये डी ए ऐसे पूरे स्फीयर के लिए आप ऐड कर दो छोटे छोटे डी ए को, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यस और नो, बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं, यस सर, है ना, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो फिर ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फोर पाई आर स्क्वायर से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आ गया बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आ गई ना बेटा फील्ड, आया ना ये आंसर, आ गया कि नहीं आ गया फाइनल आंसर, हेलो समझ गया फाइनल आंसर, यस सर समझ गए, समझ गए फाइनल आंसर, समझ गए, यस सर। हाँ कैसे डिराइव किए, अप्रोच देखो कैसे डिराइव किए अपन ने, अप्रोच देखो कहां से स्टार्ट किए, अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्या अप्रोच लिए हमने, किस तरह से प्रोसीड किए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है बताओ जल्दी से, अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए या चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो अप्रोच क्या चाहिए रहती है, क्या क्या चाहिए रहता हमको, क्या क्या चाहिए रहता है, गॉसियन सरफेस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर गॉसियन सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि गॉसियन सरफेस आप कैसा ले रहे हो, अच्छा गॉस थ्योरम जो है ना सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है क्या, कैसा भी ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सरफेस कैसा ले रहे हो, अगर मैं यहाँ पे क्यूबिकल सरफेस ले लेता तब भी गॉस थ्योरम वैलिड थी, लेकिन अगर क्यूबिकल सरफेस लेते ना तो क्या दिक्कत होती वो भी मैं बताने वाला हूँ। एक और बात, अगर मैं ये चार्ज को सेंटर पे ना रख के किसी और लोकेशन पे रख दूं तो क्या दिक्कत होगी बताओ जरा सोच के, ये तो आंसर आपने निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी, हाँ एक मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए सर, जैसे स्फीयर में डीए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है तो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगर क्या लेंगे तो सर अभी स्फीयर लिए तो फिर उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ गया डीए की वैल्यू, तो अगर स्क्वायर लिए रहते तो अगर क्यूब लेते तो फिर क्यूब के लिए आता 6a स्क्वायर ना, जो सरफेस एरिया होता टोटल वो लेना रहता हमको, समझ गए सर, क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर, ओके तो ये क्लियर हो गया, इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज का, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ले लिए स्क्रीनशॉट, अगर मान लो ये चार्ज सेंटर पे नहीं होता तो क्या दिक्कत होती, इफ चार्ज इज नॉट प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, या गॉसियन सरफेस आप इस तरह से नहीं लेते, गॉसियन सरफेस इस तरह से नहीं लेते कि चार्ज उसके सेंटर पे हो,
तो क्या दिक्कत होती कैलकुलेशन में, कहां पे हम लोग उलझ जाते कैलकुलेशन में, कहां पर उलझते? दिस इज नाउ पेज नंबर 2। मान लो चार्ज सेंटर पे नहीं है, ठीक है, मैं पहले गॉसियन सरफेस बना देता हूं यहां पे, ध्यान देना, ये गॉसियन सरफेस लिया मैंने, उसके बाद हम लोग चार्ज को प्लेस कर देंगे, ये हो गया इसका सेंटर। एंड नाउ चार्ज इज सपोज यहां कहीं पे रखा हुआ है, क्या गॉस थ्योरम अभी वैलिड नहीं है? इज गॉस थ्योरम इज वैलिड और नॉट इन दिस केस? यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई है ना, लेकिन यहां पर का जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो तो ऐसा बनेगा बेटा डीए, ये थीटा एंगल बन गया यहाँ पे। अगर आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, क्या मैग्नीट्यूड एक जैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कि ये भी बदल जाएगा? अभी ये डीए वेक्टर इधर आ जाएगा, यहां पे डीए वेक्टर इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हो गया आर वन, ये डिस्टेंस हो गया आर टू, ये डिस्टेंस हो गया आर थ्री, सो इट इज नाउ ई वन ई टू एंड ई थ्री। और ऐसे ये जो एंगल है ये थीटा टू है, ये थीटा वन है और यहाँ पे एंगल थीटा थ्री है। अगर मान लो चार्ज सेंटर पे नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है, बताओ जरा। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है? क्या गॉसियन सरफेस के, गॉसियन सरफेस के सरफेस पे, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। नाउ इफ चार्ज इज नॉट एट द सेंटर ऑफ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे चार्ज नहीं है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, क्यों बदलेगा? ये डिस्टेंस ज्यादा फील्ड कम, ये डिस्टेंस थोड़ा कम फील्ड ज्यादा, ये डिस्टेंस और कम फील्ड और ज्यादा। तो सरफेस पे हर जगह पे मैग्नीट्यूड भी बदल गया, डायरेक्शन तो वैसे भी बदल रहा था, अब मैग्नीट्यूड भी बदल गया। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल, नाउ एंगल थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग डीए वेक्टर इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। तो जैसे ये जो एंगल्स बन रहे हैं यहां पे, ठीक है, ये एंगल भी अब कांस्टेंट नहीं है, है क्या कांस्टेंट? तो अगर आप गॉस थ्योरम लगाते हो तो गॉस थ्योरम आपकी ये है भाई कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है, ये वैलिड है, गॉस थ्योरम इज वैलिड स्टिल, बट यहां पर ये बाहर निकलेगा क्या? यहां पे E is variable, E भी variable हो गया, E variable हो गया कि नहीं? Magnitude is variable और theta भी variable हो गया, theta is also variable, दो दो variable हो गया। Can you solve this integration? Can you solve this integration here? ये integration solve हो जाएगा क्या? बोलो जल्दी से, ये integration solve होगा क्या? No sir। हाँ, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इंटीग्रेशन सॉल्व, दो दो वेरिएबल आ गए, है ना, ये इंटीग्रेशन तुम क्या मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता, समझ गए कि नहीं? मैथ्स वाले सर भी सॉल्व नहीं कर सकते, समझ गए? ये वाले इंटीग्रेशन को मैं क्या मैथ्स वाले सर भी सॉल्व नहीं कर सकते, इवन कंप्यूटर भी नहीं सॉल्व कर पाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एज्यूम्स लगेंगे अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि दो दो वेरिएबल हैं और दोनों में कोई डिपेंडेंसी पता ही नहीं चल रही। हाँ, इसका नेट जरूर पता है कि इसका नेट कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन आएगा, ये जरूर पता है, लेकिन इसको पूरा सॉल्व कैसे करोगे क्योंकि ई बाहर निकल के नहीं आएगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन जरूर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये फिक्स है, वो आप सॉलिड एंगल की मेथड से निकाल सकते हो उसका पूरा फाइनल आंसर, लेकिन यहां से ई बाहर निकाल सकते हो क्या?
मैं भी नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं निकाल सकते भाई, मैथ्स वाले सर भी नहीं निकाल सकते, कंप्यूटर भी नहीं निकाल सकता ई को। क्यों नहीं निकाल सकता भाई? क्योंकि ई खुद वेरिएबल हो गया और थीटा भी वेरिएबल हो गया। अगर वेरिएबल हो गया तो फिर वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकते, समझ गए? सो वी कैन नॉट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, या ई कैन नॉट बी कम्स आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो ई को आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, और ई को जब आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होगी क्या आर डिस्टेंस पे? जैसे यहां से आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चलेगी क्या इससे? गॉस थ्योरम इज वैलिड? नो सर, है ना, गॉस थ्योरम इज वैलिड। तो जब ई बाहर निकल के ही नहीं आएगा तो आपको पता चलेगा क्या? सो वी कैन नॉट, सो देयरफॉर वी कैन नॉट टेक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से आप बाहर नहीं निकाल सकते, और इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते तो ई की वैल्यू पता ही नहीं चलेगी आपको, फ्लक्स जरूर पता चलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो चार्ज का सेंटर पे होना क्यों जरूरी था, ये भी समझ में आया कि नहीं? अगर आपने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिए तो चार्ज का सेंटर पे होना क्यों जरूरी था, ये समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो भाई। यस सर। है ना, चार्ज का सेंटर पे होना क्यों जरूरी था? क्योंकि अगर चार्ज सेंटर पे रहता तो पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता। तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता तो भैया आप ये तो कोई भी कर लेता, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, सॉल्व कर दो। और एंगल भी 0 डिग्री का था, दो दो वेरिएबल बचे नहीं रहे थे वहां पे, फटाफट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ गए? हेलो, क्लियर हो गई बात कि नहीं? यस सर। हाँ, इसका फाइनल आंसर जरूर क्यू बाई एप्सिलॉन है, लेकिन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आप ई को बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ पे वेरिएबल हो गया है, तो फाइनल आंसर तो बहुत आसान है। ओके फाइन, चलो ये भी हो गया। हमने चार्ज को सेंटर से लोकेशन बदल के देखे, अब हमारे बस की बात नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें या इलेक्ट्रिक फील्ड इस मेथड से कैलकुलेट कर लें। फ्लक्स जरूर कैलकुलेट होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं होगी अगर चार्ज कहाँ पे नहीं है, सेंटर पे नहीं है। चलो अब हम कोई और शेप का ले लें, जैसे क्यूबिकल शेप का लेके देखते हैं। अभी स्क्रीन शॉट पर स्पेस जल्दी से ले लिए क्या? स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। अगर मैं यहाँ पर कौन से शेप का ले लूं, नाउ दिस इज पेज नंबर 3। अगर मान लो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्यूबिकल कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, पहले सरफेस बना देता हूँ, फिर चार्ज को सेंटर पे रख दूंगा तो उसकी लोकेशन पे दिक्कत नहीं होती है ड्रॉ करने की। बस Now the charge is placed at the center. अब ये कौन सा गॉसियन सरफेस हो गया? Now this is गॉसियन सरफेस is cubical and Q is placed at its center. चार्ज को आपने सेंटर पे रख दी क्यूबिकल पे। तभी बताओ फिर से, ये पेज नंबर 3 है ना? पेज नंबर 3 है ना बेटे? यस सर। हाँ, अभी देखो, चलो ये वाली फेस के लिए देख लेते हैं। तो ये वाली फेस के लिए अगर आप देख रहे हो, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कर्व थोड़ी है, ये तो इस तरह की फ्लैट सर्फेस दिखेंगे आपको। ये डीए वेक्टर यहाँ पे आ गया, ये डीए वेक्टर यहाँ पे इस तरह का रहेगा, और ये डीए वेक्टर यहाँ पर भी ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर ये वाली फेस पे जितने भी डीए वेक्टर हैं वो सभी कैसे रहेंगे? फेस के परपेंडिकुलर रहेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिख रही है सरफेस पे? सपोज दिस फील्ड इज E1, दिस फील्ड इज E2, दिस फील्ड इज E3, कांस्टेंट है क्या सरफेस पे? ये कांस्टेंट है क्या? यस और नो जवाब देना। यस सर। नो। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या? नो सर।
सोच के जवाब देना बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है क्या? R1 और R2 सेम है क्या? इस R1 और R2 सेम, सिंस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, एज वेल एज यहां पर जो थीटा है और यहां पे थीटा अलग अलग हो गए अगर तीनों डिस्टेंस अलग अलग है तो इफ आर वन इज सिंस तो फिर थीटा वन इज नॉट इक्वल टू थीटा टू इज नॉट इक्वल टू थीटा थ्री, तो ये जो एंगल यहां पे बन रहे थे थीटा वन है, थीटा टू तो चलो जीरो डिग्री है तो ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर Q इज नॉट, चलो ये तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, हमने चार्ज को सेंटर पे रखे, बताओ अभी क्यूबिकल गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है क्या? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ऑन द सरफेस, है ना? हाँ, कुछ जगह पे मिलेगी, कुछ जगह पे कांस्टेंट आएंगी, कुछ कुछ जगह पे रहेंगी लेकिन पूरी जगह पे नहीं रहेगी। जैसे हम किसी एक फेस पे भी ले लें, इज नॉट कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी फेस, किसी भी फेस पे, लेकिन पूरी फेस पे कांस्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाली फेस पे लोगे तो फिर कुछ वैल्यूज कांस्टेंट मिलेंगी लेकिन हमारा उससे पर्पस मेट नहीं होता है। हाँ, एक और बात, ये वाली फेस का फ्लक्स और ये फेस का फ्लक्स और ये फेस का फ्लक्स, ये जरूर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? हाँ, बट फ्लक्स इज कांस्टेंट, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम फॉर ऑल फेस सिंस क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है तो फ्लक्स सभी फेस के लिए सेम है, लेकिन किसी एक फेस की अगर आप बात करोगे तो पूरी फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये भी है कि आल्सो अगर मैं डी फाई ई लेता हूं, दैट इज ई डॉट डी ए एंड दिस इज ई डी ए कॉस थीटा, तो यहां पर थीटा इज आल्सो नॉट कांस्टेंट for each electric field, each corresponding electric field, each corresponding electric field, corresponding मतलब ये वाले DA के लिए ये electric field, ये DA के लिए ये electric field, तो हर एक के लिए अब theta भी constant नहीं है। So now by Gauss theorem अगर मैं apply कर दूँ यहाँ पे, net electric flux, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये कितना आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहां पर भी ई बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से? ई बाहर निकलेगा क्या इसमें भी? नो सर, से भी ई बाहर नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकल सकता ई बाहर, समझ गए कि नहीं? क्यों नहीं निकलेगा बताओ जरा, अभी ई बाहर यहाँ पर सर, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। ई कांस्टेंट नहीं है, सिंस ई इज नॉट कांस्टेंट देयरफॉर वी कैन नॉट टेक आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा तुमसे? हाँ, फाइनल आंसर इज दिस, तो नाउ सो देयरफॉर हियर सिंस we cannot take E outside the integration, so therefore we cannot find electric field, हम electric field को find नहीं कर सकते या उसके magnitude को find नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि integration से बाहर ही नहीं निकल पा रही, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? Yes, sir. तो गॉस थ्योरम का यूज करके अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हो तो क्या क्या सोचना पड़ता हमको,
गॉस थ्योरम का यूज करके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ठीक प्रकार से हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, इस तरह का गॉसियन सरफेस हमको लेना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर गॉसियन सरफेस नहीं लिया तो फिर तो आप क्या नहीं कर पाओगे, इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो अभी सोचो पॉइंट चार्ज अगर है तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस सुटेबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए, फ्लक्स के लिए नहीं। फ्लक्स आप कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी शेप का गॉसियन सरफेस हो फ्लक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। फ्लक्स आप कैसे भी नेचर का गॉसियन सरफेस हो मेजर कर सकते हो, लेकिन फील्ड कैसे निकलेगी? इंटीग्रेशन से ही निकलेगी। और ये इंटीग्रेशन से अगर ये फील्ड बाहर आपने नहीं निकाल पाया तो फिर तो कैलकुलेशन नहीं बनेगा आपसे, समझ गए कि नहीं? आप फील्ड नहीं निकाल सकते। हाँ, टोटल फ्लक्स जरूर पता रहेगा, गॉस थ्योरम वैलिड है, इसकी लोकेशन भी बदलने से नेट फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात बेटा? तो गॉस थ्योरम का यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेजर करना चाहते हो तो क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल गॉसियन सरफेस, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं सर? तो फिर हमें हर केस में स्फेरिकली लेना पड़ेगा ना? हाँ, हर केस में नहीं, अभी मैं कुछ सिचुएशन बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो पहले इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? यस सर। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बन रही है। अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल है तो गॉसियन सरफेस कैसा लेना पड़ेगा आपको? गॉसियन सरफेस कैसा लेना पड़ेगा? अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकल, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल। स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल लेना पड़ेगा, है ना। अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल है तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये पहली एप्लीकेशन हो गई। और भी एप्लीकेशन है, बट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल गॉसियन सरफेस, सुइटेबल गॉसियन सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट फॉर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस कैसा लोगे? स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो गॉसियन सरफेस कैसा लोगे? हाँ, और स्फेरिकल फील्ड, गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल, स्फेरिकल विथ सेम सेंटर, विथ सेम सेंटर या कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस आएगा। अगर सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिलेंड्रिकल, अगर सिलेंड्रिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे होती सिलेंड्रिकल बताओ जरा, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बनेगी? सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर बनेगी? भाई टॉर्क में नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकल, थोड़ा सोच के बताओ। रॉड, चार्ज रॉड में, चार्ज रॉड में, है ना, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी चार्ज रॉड, लीनियर चार्ज पे, समझ गए? तो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बेटा अगर ये मान लो एक बहुत लंबी इनफाइनाइट लेंथ ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ये एक चार्ज रॉड है, सपोज दिस इज अ इनफाइनाइट लेंथ चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेंगी यहाँ पे? What is the nature of electric field? तो जो electric field है ना, मैं उसका shape यहाँ पे draw करता हूँ कि किस तरह का आएगा shape। कुछ portion के लिए मैं draw करता हूँ, बाकी का भी ऐसे बनेगा।
ठीक है देखो अभी समझ गए कैसा सिलेंड्रिकल क्यों बनेंगे समझ गए लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल बेटा सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइन चार्ज अरे समझ गए कि नहीं हेलो लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं समझ गए कि नहीं यस सर एक बार फिर से बता देना जो समझा नहीं तो ठीक है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल स्फेरिकल रहेगी ये पॉइंट चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज कैसी फील्ड बनाएगा लाइन चार्ज कैसी फील्ड बनाएगा लीनियर लीनियर कैसे बनाएगा यार फील्ड लाइन कैसे सिलेंड्रिकल ना स्फेरिकल भी नहीं बनेगी ना भाई स्फेरिकल भी सिलेंड्रिकल बोला हाँ सिलेंड्रिकल ट्यूबलाइट से कैसी लाइट आती है ट्यूबलाइट से अभी मैं बोला सर लाइट आती है सिलेंड्रिकल आती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनते हैं ट्यूब लाइट से सिलेंड्रिकल लाइट आएगी और पॉइंट वाला बल्ब है तो उससे लाइट कैसी आएगी स्फेरिकल बाहर निकलेगी समझ गए हेलो समझ गए कि नहीं यस सर अभी जो सनलाइट हमारे पास आ रही है वो कैसी है स्फेरिकल है कि फ्लैट वाली है कि कैसी है जो सनलाइट अभी हमारे पास आ रही है स्फेरिकल नहीं 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 आपके कमरे पे जो लाइट आ रही है स्फेरिकल आ रही है कैसी गोल वाली आ रही है कि कर्व वाली नहीं आ रही सर स्ट्रेट आ रही स्ट्रेट आ रही है ना पैरेलल है ना पैरेलल लाइट आ रही है ना सन इतनी दूर है कि हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो कैसा हो गया उसका जो कर्वेचर है बहुत छोटा सा बचा ना तो ये भी जब बहुत दूर चला जाएगा तो ये फ्लैट हो जाएगा ठीक है ये बिल्कुल पास में आप लाइन चार्ज के पास में देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है यहाँ पे लाइन चार्ज के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिलेंड्रिकल इन नेचर ठीक है समझ गए हाँ बोलो सर हर एक जो पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल बनाएगा अपना बाहर पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकली आउटवर्ड आएगी हाँ सर नेगेटिव चार्ज है तो स्फेरिकली इनवर्ड आएगी पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड आएंगी नेगेटिव लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकली इनवर्ड आएंगी समझ गए सर जब वो स्फेरिकली आउटवर्ड बना रहा है तो उस वक्त वो सिलेंडर में शेप में कैसे हो जाएगा उन सबका सममिश्रण लाइन चार्ज कैसे सिलेंडर में अच्छा ये जैसे एक एक पॉइंट चार्ज रखे यहाँ पे हाँ तो ये सिलेंडर में कैसे कन्वर्ट हो गया देख रिजल्टेंट फील्ड बन गई क्योंकि दो फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ना तो मान ले यहाँ पर कोई फील्ड आ रही है तो इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो ऐसी हो जाएगी कि नहीं हाँ सर तो ये हमेशा रिजल्टेंट बन के ये कैसा बन जाएगा इनका शेप कैसा हो जाएगा सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा इनका समझ गए सभी के पास इंटरसेक्ट तो नहीं करते ना एक दूसरे से नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ना कभी भी बट रिजल्टेंट बन के कैसा शेप क्रिएट करेंगे ये हाँ अभी समझा कि नहीं अपोजिशन के थ्रू से ऊपर जाएगा हाँ अपोजिशन के जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज ये तो अभी मान ले ये इसकी फील्ड है ये इधर पे फील्ड आ रही है एक और यहाँ रख दिया मैंने तो अब इधर पे फील्ड आई क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये तो यहाँ से फील्ड ऐसी समझ गए कि नहीं आसा। तो ये फिर अगर मैं और रख दूं यहाँ पे तो ये ऐसी होते जाएंगी यहाँ पर की फील्ड ये ऐसी बनती जाएंगी ये थोड़ा और इधर पे सिकुड़ जाएगी यहाँ से ऐसी बन जाएगी ये यहाँ से ऐसी चली जाएगी तो इसका नेचर कैसा क्रिएट हो जाएगा अरे सिलेंड्रिकली बनेगा भाई स्ट्रेट क्यों बनेगा सिलेंड्रिकली बनेगा इमेजिन करो प्रॉपर सिलेंड्रिकली बोलो सर एक पॉइंट चार्ज मतलब रॉड में एक पॉइंट चार्ज एक व्हील जैसा शेप क्रिएट कर रहा ना क्या क्या व्हील 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 जैसा एक पॉइंट चार्ज हाँ एक हाँ यहाँ पर का एक व्हील जैसा शेप क्रिएट कर रही
लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज कैसे, लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है? ऐसा थोड़ी कि यहाँ रखे फिर उसके बाद यहाँ रखे फिर, ये तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूअसली मतलब समझ गए, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये यहाँ पे रखा ये यहाँ पे रखा है। ये सिर्फ अपन ने डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि अब कंटिन्यूअसली कैसे बनाओगे, है ना? तो मैंने कंटिन्यूअसली बनाया, ऐसा नहीं कि एक यहाँ रखा फिर एक यहाँ रखा फिर एक यहाँ रखा। अगर ऐसे रखें ना तो फिर एग्जैक्टली सिलेंडर नहीं आएगा, थोड़ा क्वाइट डिस्टॉर्टेड पोर्शन बनेगा। और ये कंटिन्यूअसली रखे हुए लगातार, कोई गैप नहीं है बीच में, तो फिर कैसा शेप बनेगा इसका, सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। समझा? हेलो, अरे समझ गए? हाँ पक्का समझ गए सर। सिलेंड्रिकल क्यों बन रहा है ये समझ गए कि नहीं? सिलेंड्रिकल जैसे मान ले ये केबल है, है ना, ये लाइन चार्ज है फॉर एग्जांपल। तो बेटा यहां पर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी आएगी, इधर 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 भी आएगी, फिर उसके नीचे वाले चार्ज के लिए। तो ये कैसा शेप क्रिएट होगा पूरा की पूरा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर आएगा वो कैसा रहेगा? सिलेंड्रिकली आउटवर्ड रहेगा। पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज, जैसे ये वाली बॉल में मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, हर जगह पे चार्ज है, ये स्फेरिकल बॉल है, इस पे मान लो मैंने चार्ज रखा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? स्फेरिकल बॉल के कारण, ये चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। बताओ, स्फेरिकल बॉल है, अब चार्ज मैंने सब जगह पे फैला दिया, तो अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? स्फेरिकल बनेगी। पॉइंट चार्ज के लिए भी स्फेरिकल, स्फीयर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी स्फेरिकल। लाइन चार्ज के लिए फील्ड कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। समझा? हेलो, हाँ सर, समझा कि नहीं? और अगर मान लो मैं वाइट बोर्ड में चार्ज चिपका दूं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक मिनट, कौन सा नंबर का पेज है ये, कौन से नंबर का पेज है सर? फोर्थ। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? अच्छा, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेंगे? हाउ यू विल क्रिएट द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड? स्फेरिकल भी समझ गए आप लोग? स्फेरिकल समझ गए कि नहीं? स्फेरिकल समझ गए, सिलेंड्रिकल समझ गए, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेंगे? How will you create plane electric field? Plane electric field कैसे बनेगी? Sir, simple, इसको अगर दूर लेके गए तो plane हो जाती है। दूर लेके गए, जैसे sunlight से थोड़ा सा imagine करना, जैसे ये मान लो sunlight है, है ना? तो sunlight तो ऐसी निकल रही है, is it clear? तो यहाँ पे आपको curvature ज्यादा दिखेगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे यहां पे पहुंच गए, तो यहां पर का जो छोटा सा पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है अभी आपको, ये बता दिए, ये छोटे से पोर्शन में कैसी दिखेंगे ये रे ऑफ लाइट, यहां पर पैरेलल दिखेंगे कि नहीं? लेकिन क्या यहां पर ये पैरेलल है? इज इट दे आर पैरेलल? नो सर, नॉट पैरेलल। लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल दूर पे पहुंच के छोटी सी जगह पे देखोगे तो पैरेलल, पैरेलल हो जाएंगी ना? हाँ या ना? तो एक्चुअल में सन से लाइट ये आ रही है, और ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, दिस इज आवर अर्थ। तो अर्थ पे लाइट कैसी पड़ रही है हमारे पास में? हमारे पास अर्थ पे लाइट कैसी पड़ रही है? स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट पड़ रही, पैरेलल पड़ रही। लेकिन अगर हमारी अर्थ सन के बिल्कुल यहाँ कहीं पे रहती भाई, पास में रहती, तो फिर पैरेलल पड़ती क्या? ऐसी तिरछी आके पड़ती ना ऐसी, है ना? समझ गए कि नहीं? यस सर। It is just like a, this is the sun and this is the earth. ये sun है मान ले, यहाँ पे कैसी light पड़ती अर्थ पे, ये देख सकते, और यहां से दूर लेके गए तो कैसी light पड़ रही? समझ गए कि नहीं? है ना? तो point source अगर कितने distance पे, बहुत बहुत large distance पे है, तो फिर यहाँ पे पहुंच के electric field कैसी हो जाएगी उसकी? Parallel हो जाएंगे, ठीक है? और लाइन सोर्स भी अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, तो फील्ड लाइन यहाँ पे पहुंच के कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। एक और बात,
अगर मान लो मैं चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट करा दूं यहाँ पे, ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, मैंने पूरे व्हाइट बोर्ड पे चार्ज ऐसा लगा दिया, दिस इज प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लेन चार्ज लग दिया मैंने, दिस इज प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लेन और सरफेस, प्लेन सरफेस चार्ज। तो बेटा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेंगी, थोड़ा सोच के बताओ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेंगी। देख ये प्लेन चार्ज को 3D व्यू में मैं ऐसा बना दे रहा हूं यहाँ पे, एंड इट इज वेरी इनफाइनाइट, सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, थोड़ा सोच के बताना। पैरेलल सर, हाँ कैसे आएंगी ये, पैरेलल आएंगी, समझ गए, पैरेलल रहेंगी ना दोनों तरफ, आया ना, जैसे ये प्लेन सीट है, इस पे पूरा चार्ज, बहुत बड़ी सीट है, तो इससे फील्ड लाइन कैसी आएंगी बाहर, प्लेन वाली रहेंगी, समझ गए, सो दीस इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल, है ना, ये फील्ड लाइन कैसी यहाँ पे, दीज आर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गया बेटा, पैरेलल पूरा 3D में इमेजिन कर रहा करना, पैरेलल एंड इन 3D, पैरेलल इन 3D, समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं, यस सर, पैरेलल इन 3D, तो अगर इस तरह का सरफेस है तो गॉसियन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करोगे, अब यहाँ पे स्फेरिकल करोगे कि कैसा करोगे, कैसा गॉसियन सरफेस सुटेबल रहेगा इस तरह के, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसा गॉसियन सरफेस लोगे बताओ जरा, इस तरह का लोगे गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल लेने से काम बन जाएगा क्या, स्फेरिकल अगर लेते हो तो हो जाएगा क्या कैलकुलेशन कि नहीं होगा, क्या दिक्कत आएगी अगर स्फेरिकल ले लिए तो, क्या क्यूबिकल ले सकते अपन इसमें, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, अगर हम क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी लेते हैं या क्यूबॉइडल भी लेते हैं, जैसे ये लिया मैंने, ये चल जाएगा कि नहीं, ऐसा गॉसियन सरफेस चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये वाली फेस फील्ड के पैरेलल आ रही है, तो ऐसा भी गॉसियन सरफेस चल जाएगा, और यहाँ पे इस तरह का गॉसियन सरफेस भी चल जाएगा सिलेंड्रिकल वाला भी, लेकिन स्फेरिकल चलेगा क्या यहाँ पे, क्योंकि ये वाली फेस से फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ इससे और इससे फ्लक्स बचेगा, ऐसे ये वाली क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स बचेगा, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स नहीं बचेगा, क्या स्फेरिकल ले सकते थे बेटा यहाँ पे गॉसियन सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट लेना है तो, कैन यू टेक द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3D, ले सकते हो क्या, हेलो ले सकते हो क्या, यस सर, स्फेरिकल, स्फेरिकल अगर लोगे तो क्या दिक्कत होगी बताओ जरा, स्फेरिकल अगर लोगे तो क्या दिक्कत बनेगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा तो फिर तुम फील्ड निकाल पाओगे क्या, हेलो, तो इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज के लिए आप क्यूबॉइडल भी ले सकते हो, क्यूब भी ले सकते हो, बट इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या सिलेंडर भी ले लो और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस भी लेके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ले सकते हो, समझ गए, समझ गए कि नहीं, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो गॉस थ्योरम का यूज करके, तो सिलेक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गॉस थ्योरम का यूज करके आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है गॉस थ्योरम में, ये तो कैसा भी सरफेस का नेचर हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो तो ये ई जो है ना, ये इंटीग्रेशन से क्या होना चाहिए आपका, बाहर निकल कर आना चाहिए, तभी हो पाएगा कैलकुलेशन, तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। समझ गए? तो गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपको सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल गॉसियन सरफेस बनाते बनना चाहिए, तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या अभी? हाँ बोलो। जो सेकंड डायग्राम है मतलब सिलेंडर वाला, उससे भी हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेंगे ना? हाँ, कर्व्ड सरफेस के लिए जीरो और क्रॉस सेक्शनल फेस के लिए कांस्टेंट, बराबर है। हाँ, लेकिन अगर टिल्ट कर दोगे इसको, सिलेंडर को टिल्ट कर दोगे तो गॉस थ्योरम तो वैलिड रहेगी, लेकिन टिल्ट करने में क्या दिक्कत हो जाएगी, फिर से आप फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाओगे इंटीग्रेशन से। समझ गए? फ्लक्स कैसे जीरो होंगे? कर्व्ड सरफेस से जीरो है, कर्व्ड सरफेस, क्रॉस सेक्शनल नहीं, कर्व्ड सरफेस। हेलो, उनका वाले सर आप डायग्राम बताइए। अच्छा एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, दोबारा डायग्राम बना के बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले। ले लिया? हां सर। ठीक है, दोबारा डायग्राम बनाता हूं, एक 3D डायग्राम बना रहा हूं, एक 2D वाला बनाता हूं। एक 3D डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो 3D डायग्राम में अगर मैं यहाँ पे सरफेस कैसा ले रहा हूँ, सिलेंड्रिकल सरफेस क्या और वो फिर से आ गया सर, वेलकम बैक नाम है सर, आ गया फिर से वो। ठीक है देखो अभी ना, तो ये सिलेंडर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे सर। हाँ बोलो सर। ये सिलेंडर वो बोट के आर पार है क्या? हाँ, ये सीट के आर पार लिए हमने सर, समझ गए? हाँ ओके सर। और अगर इसको ऐसा तिरछा कर दोगे, देख यहाँ पे फ्लक्स कौन से वाले पोर्शन पे फ्लक्स नहीं आएगा, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस, इज इट क्लियर? ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के लिए बनेगा क्या फ्लक्स? दिस इज कर्व्ड सरफेस। अच्छा समझ। कर्व्ड सरफेस के लिए फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, जीरो। और ये क्रॉस सेक्शनल वाली सरफेस के लिए फ्लक्स आएगा ना? अच्छा, इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा? ई इंटू ए, ए मतलब इसका एरिया। और ऐसे ये वाली सरफेस के लिए भी फ्लक्स कितना आएगा? ई इंटू ए रहेगा, क्योंकि इसका एरिया भी इधर आएगा और इसका एरिया भी इधर रहेगा, एंगल जीरो डिग्री का। लेकिन दिक्कत कब होगी? अगर आप ये सिलेंडर को थोड़ा ऐसा कर दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। समझ गए? यहाँ पे आप क्यूबॉइडल भी ले सकते हो, और अगर आप इसका 2D डायग्राम बनाते हो तो ये दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा में ले रहा हूँ, इट इज नॉट द लाइन चार्ज, इट इज द सरफेस चार्ज, ये 2D डायग्राम हम लोग ले रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ऐसी बनाओगे, इट इज नॉट द सिलेंड्रिकल, बट 3D में आप ये पैरेलल लेना, 3D में ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है। तो जो सरफेस बना रहे हैं आप, जो इमेजिन कर रहे हैं गॉसियन सरफेस, ये सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो, क्यूबिकल भी ले सकते हो ऐसा। अभी क्लियर हो गया कि नहीं बेटा ये? समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है यहाँ पे? सिलेक्शन ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस, अगर वो आपने निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से कर लोगे। स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गया? अगर ये पूरे सफर को क्यूबॉइड के अंदर रख रहे थे क्या क्या अगर ये पूरे सफर को क्यूबॉइड के अंदर रख रहे थे तो हो सकता था ना? हाँ, अगर मान लो सिलेंड्रिकल की जगह क्यूबॉइड ले लेते तब भी बन जाता ये, ठीक है? तो पूरे सरफेस को, पूरे सरफेस को क्यों लोगे बेटा? ये तो बहुत बड़ा है ना, ये इतना बड़ा है कि आप पूरे को थोड़ी कवर अप कर पाओगे। आपको बहुत बड़े सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही पैरेलल वाली, उसको मेजर करना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ बोलो सर। जब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तब ई बाहर निकलेगा ना? हाँ, इसमें निकलेगा, क्योंकि करंट सरफेस का फ्लक्स जीरो है, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल का बस बच रहा है, तो इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ई ए प्लस जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो वो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को भी।